नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजे नीमच में फर्जी रजिस्ट्री गैंग का खुलासा हुआ, जिसके बाद में लगातार देखा जा रहा है कि जिले में फर्जी रजिस्ट्री की शिकायतें जो एसपी के पास पहुंच रही है। आज भी एक मामला ऐसा पहुंचा जहां पर एसपी के पास मनासा में एक फर्जी रजिस्ट्री को लेकर शिकायतकर्ता जो लासूर निवासी जो कौशल्याबाई पाटीदार जो अपने दामाद के साथ में और बेटी के साथ में एसपी ऑफिस पहुंची, एसपी को शिकायत या आवेदन देते हुए बताया कि किस प्रकार से उनके पति जो है 1.5 साल से बीमार है, जिसके बाद में उनके नाम की फर्जी रजिस्ट्री जो है मुकेश पाटीदार और उसके दो अन्य साथियों ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री करा दी। दरअसल जो मनासा क्षेत्र के गायरी गुडा गांव में उनकी जमीन थी, जहां पर वहीं के गुजर समाज के दो लोगों के नाम पर जमीन बेच दी गई, जिसके बाद में दस्तावेज निकाले तो पता चला कि वह जमीन पर जो रजिस्ट्री कराई गई उसमें किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कराकर रजिस्ट्री करा दी गई। पूरे मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने मनासा थाने में आवेदन भी दिया था, जिसका सुनवाई नहीं हुई और पूरे मामले में उन्होंने जान से उनको खतरा, इसको लेकर शिकायत आवेदन में जान की सुरक्षा की मांग की गई, साथ साथ जो फर्जीवाड़ा किया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जी, मैं नरेंद्र पाटीदार, मेरे ससुर जी कालराम जी पाटीदार के नाम से 8 बीघा जमीन घारीपुड़ा तहसील मनासा नीमच में जमीन थी, पड़त जमीन है उसकी। तीन लोगों ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। फर्जी रजिस्ट्री करा में मुकेश पाटीदार मनासा, सुमन पाटीदार मनासा और शुभम पाटीदार मनासा, तीनों ने मिलकर इसकी फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। किस प्रकार रजिस्ट्री उनकी फर्जी कराएगी, कोई तो अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया कि क्या रहा है इसमें? कलराम जी की जगह उनके भाई मुकेश पाटीदार जो अलर्ट रहते हैं उन्होंने उनकी जगह खड़ा करके फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। कितने बीघे जमीन है और क्या कीमत की, मतलब क्या? 8 बीघे के आसपास जमीन है उसकी, 15-16 लाख रुपये के आसपास की रेट है अभी वहाँ। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। जिन लोगों ने जमीन खरीदी क्रेता करने उनसे हमने संपर्क किया, उन्होंने आवेदन दिया था 13 जुलाई को मनासा थाने में। उस बात को एक महीना हो गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, ना FIR दर्ज हुई मनासा पुलिस द्वारा, ना ही कोई कार्रवाई हुआ। अभी आप SP साहब से मिलेगी? SP साहब से हम 4-5 दिन पहले मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर FIR करवाएंगे, और अभी तक FIR नहीं हुई उसके ऊपर।